स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 2, इसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और इसकी राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। यह स्टोरी मूल रूप से यहाँ पे नहीं है, इसमें थोड़ा एडप्टेशन किया गया है, सुधार किया गया है। और इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। वी आर ऑल फेमिलियर विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। फेमिलियर का अर्थ है परिचित। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में उनका शासन मुख्य स्थान रखता है, प्रमुख स्थान रखता है। लैंडमार्क का अर्थ है प्रमुख स्थान, तो हमारे देश के इतिहास में उनका शासन प्रमुख स्थान रखता है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत की शुरुआत उन्हीं से हुई थी। Although his name is so famous, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, it is strange that we hardly know anything definite about his life, लेकिन यह कितना अजीब है, it is strange, यह अजीब है कि हम बड़ी मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ जानते हैं। There is one thing certain about him, उनके बारे में एक चीज निश्चित है, however he loved justice and learning, कुछ भी हो वह न्याय को पसंद करते थे, न्यायप्रिय थे, और लर्निंग को पसंद करते थे, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। कुछ भी हो वह न्यायप्रिय और जिज्ञासु थे। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. वह अपने लोगों को बहुत ही सटीक न्याय देते थे, और उन्होंने अपने दरबार में, अपने न्यायालय में शिक्षित लोगों को जुटाया था या संग्रहित किया था। गैदर्ड का अर्थ होता है संग्रह करना। इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कहा जाता है कि इतिहास में वे महानतम न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए। नॉट डिड ही एवर पनिश्ड द रॉन्ग मैन, ना तो उन्होंने कभी किसी गलत व्यक्ति को सजा ही दिया। द गिल्टी ट्रिम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, अपराधी कांपते थे जब उनके सामने आते थे। जब अपराधी उनके सामने आते थे तो वे कांपते थे, क्योंकि वे जानते थे, अपराधी जानते थे कि उनकी आंखें सीधे ही उनके उसके अपराध को देख लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई द वे ही सॉल्व देम, और वे लोग जो उनके यहाँ मुश्किल समस्याओं को लेकर आते थे, वे सभी हमेशा ही संतुष्ट होते थे उनके समस्या समाधान के तरीके से। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेनेवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल इट वॉज सेड ऑफ हिम, और इसलिए
उनके बाद इंडिया में या भारत में जब कभी किसी न्यायाधीश ने बहुत ही चतुरता के साथ न्याय किया या न्याय सुनाया तो उसके बारे में कहा गया, प्रोनाउंस्ड का अर्थ होता है कहना, तो उसके बारे में कहा गया ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हाँ वह निश्चित ही विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठे होंगे. हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को देखा है? Perhaps not, संभवतः नहीं. Because the seat does not exist anymore, क्योंकि वह सिंहासन अस्तित्व में नहीं है. I am going to tell you how it disappeared, मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर वह सिंहासन कैसे गायब हो गया. डिसअपीयर्ड का अर्थ होता है गायब होना. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग कुछ समय में उन्हें भुला दिए. हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रियूंड, उनका महल और उनके छोटे किले खंडहर बन गए, नष्ट हो गए. पैलेस का अर्थ है महल और फोर्ट्रेस का अर्थ है छोटा किला. द हीप्ड अप रियून्स, वहां पर खंडहरों के ऊपर ढेर लग गया. Having been covered with grass, और उसके ऊपर घासें फैल गईं या उसके ऊपर घासों ने ढक लिया. Dust and trees were turned into a pasture for feeding the cattle, और उन खंडहरों के ऊपर घासों ने ढक लिया, धूल और पेड़ आ गए और इन चीजों ने मिलकर उस स्थान को पशुओं के लिए चारागाह बना दिया जहां पे पशु चरते हैं. द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेज, गांव के लोग अपनी गायों को इस चारागाह में चरने के लिए भेजा करते थे. अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज and would not return till late in the evening. सुबह सुबह पशु चरवाहों के देखरेख में वहां चरने के लिए जाते थे, जाया करते थे और शाम होने से पहले नहीं लौटते थे, देर शाम तक नहीं लौटते थे. When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture and all the cattle along with their cow herds would gather round him and together they would turn homewards. When it was time to return, जब लौटने का समय होता था, a shepherd boy would call out, एक चरवाहा लड़का पुकारता था, from the edge of pasture, चारागाह के किनारे से, एंड ऑल द कैटल अलोंग विथ देयर काउ हर्स, और सभी पशु गाय का झुंड बनाकर, हर्स का होता है झुंड, सभी पशु गाय का झुंड बनाकर एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, उस पुकारने वाले के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे और सभी साथ साथ घर की तरफ लौटा करते थे. Such was the life of the shepherd boys in the villages about Ujjain. उज्जैन के गांव के लड़कों
उज्जैन के गांव के चरवाहे लड़कों का यही जीवन था या ऐसा जीवन था. There were many of them, and in the long days on the pasture, they had plenty of time for fun. उनमें से बहुत से थे. And in long days on the pasture, they had plenty of time for fun. उनमें से ऐसे बहुत थे जिनके पास चारागाह में दिन भर हंसी मजाक के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत समय होता था. One day they found a playground. एक दिन उन लोगों ने एक खेलने का मैदान पाया. And how delightful it was. और यह कितना आनंददायी था. The ground under the trees was rough and uneven. और यह जो जमीन थी, यह जो मैदान था, वो पेड़ों के नीचे था और काफ़ी उबड़ खाबड़ था, अनइवन था, समतल नहीं था और रफ था, मतलब गंदा था. यह मैदान जो मिला वो पेड़ों के नीचे था और काफ़ी गंदा था, उबड़ खाबड़ था. Here and there, the ends of the great stone peeped out. यहाँ वहाँ बड़े बड़े पत्थर उभरे हुए थे, जमीन से बाहर झांक रहे थे, मतलब उभरे हुए थे. And in the middle, there was green mound. और बीच में एक हरे रंग का टीला था, mound का अर्थ है टीला, which looked very much like a judge seats. और यह जो टीला था वो बहुत बहुत हद तक न्यायाधीश के बैठने के स्थान जैसा लगता था या सिंहासन जैसा लगता था. At last, one of the boys thought so and seated himself on it. अंत में लड़कों ने ऐसा सोचा और वे स्वयं ही उस स्थान पर बैठ गए. I say, boys, he cried. उसने कहा, वह चिल्लाया, मैं कहता हूँ लड़कों, I will be the judge and you can bring all your cases before me. मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम सभी अपने मुकदमे, अपने मामले मेरे सामने लाओगे. एंड वी विल हैव ट्रायल. और हम लोग उस पर मुकदमा चलाएंगे. ट्रायल का अर्थ है मुकदमा. देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज. और तब वह अपने चेहरे को सीधा किया और बहुत ही उसका चेहरा बहुत ही गंभीर हो गया, एक न्यायाधीश की तरह व्यवहार करने के लिए. Others saw the fun at once and whispering among themselves. दूसरों ने इसमें एक मजाक देखा और एक दूसरे से फुसफुसाए. Quickly picked up some quarrel and appeared before him. जल्दी से कुछ झगड़े विवाद खोजो और इनके सामने प्रस्तुत हो, खड़े हो. Each group stated their case. सभी समूहों ने अपने मामले कहे. One saying that a certain field was there. एक समूह कह रहा था कि ये खेत उनका है. Another saying that it was not, and so on. और दूसरा समूह कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं है. इस तरह की बातें हुई. They all wanted him to settle the dispute. वे सभी चाहते थे कि विवाद का निपटारा हो. Settle का अर्थ है निपटारा या सुलह, और dispute का अर्थ है विवाद. But now, all of a sudden, a strange thing made itself felt. लेकिन अभी all of a sudden, अचानक ही एक विचित्र चीज स्वयं ही महसूस की गई. The boy who appeared so common before he sat down on the mound. वो लड़का जो उस टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल ही सामान्य लग रहा था, looked so different now. अब बिल्कुल ही अलग दिख रहा था. He had become
grave and serious, वो बहुत ही गंभीर बन चुका था. ग्रेव का अर्थ भी गंभीर होता है, सीरियस का अर्थ भी गंभीर होता है. वो बहुत ही गंभीर बन चुका था. एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉय वेयर लिटिल फ्राइटेड. और उसका जो तौर तरीका था वो कुछ अनजाना विचित्र सा था, इतना विचित्र सा था और इतना प्रभावशाली था कि जो बाकी लड़के थे वे थोड़ा डर गए थे. स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, फिर भी उन्होंने सोचा कि यह तो बस हंसी मजाक है. एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और फिर उन लोगों ने एक नया वाद उसके सामने रखा. वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, एक बार उसने फिर अपना न्याय दिया. एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह घंटों तक साथ साथ चलता रहा. ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह जज के सीट पर, न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ था. लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुन रहा था. एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और उसी गंभीरता के साथ वह अपनी बातें कह रहा था, अपना न्याय कर रहा था तब तक जब तक कि लौटने का समय न हो गया. एंड देन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब फिर वह अपने स्थान से कूदा. एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और वह फिर दूसरे चरवाहे लड़कों की जैसा ही हो गया. From then onwards, so famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. और तब से, from then onwards, और तब ही से, so famous did, यह इतना प्रसिद्ध हो गया. So famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. और तभी से यह चरवाहों का जो समूह था वो इतना प्रसिद्ध हो गया, या यह तभी से यह जो चरवाहा था समूह का वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी मुश्किल विवाद उसके सामने रखे जाने लगे. एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हर बार एक ही बात घटित हुई. The spirit of knowledge and justice would come to him. न्याय और ज्ञान की आत्मा उसमें आती थी. And he would show them the truth. और वह उन सभी को सच्चाई दिखाता था, सच्चाई बताता था. But when he came down from his seat, और जब वह अपने उतर जाता था, सिंहासन से उतरता था, he would be no different from the other boys. वह दूसरे लड़कों से अलग नहीं होता था, बल्कि दूसरे लड़कों जैसा ही हो जाता था.